तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और रायगढ़ में जो जिला कोर्ट में जो नियुक्ति होनी है, सहायक ग्रेड थ्री रेगुलर भी है और सहायक ग्रेड थ्री संविदा भी है, तो उनकी सब जो है पात्र अपात्र सूची आ गई है। और सब आप सबका एक ही सवाल है कि आगे क्या होगा। आगे कई जने ये बोल रहे हैं कि सर कौशल परीक्षा थोड़ी होगा कि परीक्षा थोड़ी लेंगे। तो देखिए, इन्हीं सब चीज़ों के लिए मैं आपको बोलता हूँ कि जॉब के नोटिफिकेशन से ना एकदम अपडेट रहना चाहिए। बीच में संशोधन जारी हुआ रहता है ना, तो उसके बारे में अगर हमको जानकारी नहीं है तो फिर बात जो है हम नहीं समझ पाते। और इसी के बारे में चलिए मैं आज आपको पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ कि क्या होना है कह के। ये वीडियो तो थोड़ा पहले आ जाती, लेकिन चलिए आप आ जाइए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखिए हम आ गए हैं रायगढ़ के डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर। और देख लीजिए, अगर आप इसके ये जो नोटिफिकेशन है ये देख लीजिए, इसके लास्ट पेज में जाएँ तो बड़ा विचित्र है। लास्ट के 90वां पेज के यहाँ पर ऊपर में देखिए, यही वो विज्ञापन है जिसके बारे में सब अभी चल रहा है। विज्ञापन क्रमांक 17-12 भर्ती समिति, ठीक है। अब देख लीजिए इसका जो चयन प्रक्रिया क्या है, तो चयन प्रक्रिया में क्या होना है, उपरोक्त पदों के चयन हेतु एक स्वतंत्र लिखित परीक्षा जिला सत्र न्यायाधीश रायगढ़ द्वारा गठित भर्ती कमेटी या सब कमेटी द्वारा आयोजित की जा सके। लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, सामान्य गणित, सामान्य मानसिक योग्यता के संबंध में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्त पदों के 15 गुना तक अभ्यर्थी कौशल परीक्षा, मतलब कि यहाँ पर ये बोला गया है कि लिखित परीक्षा होगी और लिखित परीक्षा में जो पास होंगे तो उसमें से जितने पद हैं उनके विरुद्ध 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा कौशल परीक्षा में। लेकिन इसके बाद एक संशोधन भी जारी किया गया है, देख लीजिए संशोधन क्या चीज़ है। तो ये देख लीजिए, ये संशोधन इस विज्ञापन के जारी होने के जस्ट बाद जारी हुई है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मॉडिफाइड रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, ये देख लीजिए ये, और ये इसी के बारे में है। देख लीजिए ना, विज्ञापन क्रमांक 17-93 भर्ती समिति 2023 12 जून को ये जारी हुआ है। और आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है 24 जून 2023 संध्या 5 बजे। इस कार्यालय द्वारा सीधी भर्ती संशोधित विज्ञापन क्रमांक 3 जून 2023 को जारी विज्ञापन में निम्नानुसार शुद्धिकरण संशोधन किया जाता है। तो ये देख लीजिए, यही संशोधन किया जा रहा है और इसी के बारे में देख लीजिए। इसका जो लास्ट डेट है यहाँ पर 3 जून 2023 को जारी हुआ है, ये भी 3 जून 2023 यहाँ पर देख लीजिए स्पष्ट है, मतलब इसी के बारे में है। इसमें क्या क्या संशोधन देखिए, पृष्ठ क्रमांक 20 आवेदन के प्रारूप कंडिका 8-B में अंकित तिथि 1 जून 2023 को 1 जनवरी 2023 पढ़ा जाए। और इसीलिए बहुत सारे लोगों के आवेदन अपात्र हो रहे हैं, क्योंकि संशोधन को अगर आप वो लोग ध्यान नहीं दिए होंगे तो यहाँ पर देखिए पेज नंबर 20 बोला जा रहा है। तो पेज नंबर 20 कहाँ पर है, सीधा हम लोग पहुँच जाते हैं 19-20, इसमें देख लीजिए कंडिका 8, ये दिनांक 1 जून 2023 है ना, इसको 1 जनवरी 2023 में संशोधन किया गया है। अगला देख लीजिए, पृष्ठ क्रमांक 20 का आवेदन प्रारूप के कंडिका क्रमांक 22 के 5 में अंकित स्वयं का शपथ पत्र को अंकित किए जाने की आवश्यकता नहीं है। कंडिका क्रमांक को पढ़ते हैं, कंडिका क्रमांक 22 के 5, तो 22 कहाँ है भाई, ये 22 है और यहाँ पर 5वां स्वयं का शपथ पत्र, इसको क्या किया गया है, रिमूव किया गया है, ठीक है। और क्या संशोधन हुआ है देख लीजिए, विज्ञापन के संपूर्ण भाग में अंदर जहाँ जहाँ साक्षात्कार शब्द टंकित है उसके स्थान पर कौशल परीक्षा पढ़ा जाए, ठीक है, क्योंकि साक्षात्कार इसमें नहीं होना, इसमें क्या होना है, कौशल परीक्षा होना है, ठीक है। और अगला महत्वपूर्ण देखिए, विज्ञापन में स्टेनोग्राफर, हिंदी अंग्रेजी एवं सहायक ग्रेड 3, साक्ष्य लेखक, साक्ष्य, ये बहुत सारा चीज़ है, एवं स्टेनोग्राफर हिंदी संविदा सहायक ग्रेड 3 संविदा के रिक्त पदों हेतु चयन प्रक्रिया में लिखित एवं कौशल परीक्षा दोनों के लिए जाने का उल्लेख है। तत्संबंध यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त पदों हेतु चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी। इसी चीज़ को मैं बोल रहा था, जहां पर लाखों आवेदन पहुंच रहे हैं उनको कौन इतना सारे लोगों को लिखित परीक्षा संभाल पाएगा भाई, इसको कंडक्ट करना टेढ़ी खीर है। तो यहां पर केवल कौशल परीक्षा हो जाए होगी, किसी प्रकार से लिखित परीक्षा नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से अब इसमें देख लीजिए कितने सारे पोस्ट थे इसके बारे में। और अजीब बात यह है कि ये भी संशोधन हुआ है, इसके पहले जो है पदों की संख्या हो सकता है कम रही होगी, यहाँ पर बहुत सारे पद हैं, रिकार्ड पद हैं कहना चाहिए। देख लीजिए स्टेनो 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 सहायक ग्रेड 3 सहायक ग्रेड 3 चतुर्श्रेणी पद है, ये भी गवर्नमेंट पद है ना, वाहन चालक भृत्य, और उसके बाद ये है कलेक्टर दर पर वाटरमैन चौकीदार स्वीपर, मतलब रिकार्ड पदों की संख्या है, ठीक है। और इस पदों की संख्या भी क्या बोलते हैं संशोधन हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए संशोधित विज्ञापन है, इसका ओरिजिनल विज्ञापन मेरे चैनल में डाला होगा लेकिन मैं अभी जो उसको निकाल कर नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है।
तो कहने का मतलब इसमें दो दो संशोधन हुए हैं। अब चलिए आ जाते हैं जो जितनी भी सूची निकली है उसके बारे में एक बार हम चेक करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर आप शुरू में चलते हैं हम इसके फर्स्ट में, तो देख लीजिए यहाँ पर है यहाँ से देख लीजिए असिस्टेंट ग्रेड 3 संविदा वाला है, पात्र अपात्र है, और उसके बाद है रेगुलर है, अपात्र सूची है, उसके बाद है चयन परीक्षा, ये तो है ही नहीं, फैमिली कोर्ट क्लास बी रिजल्ट, फैमिली कोर्ट नहीं। तो इसमें यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूचना ये वाला जो है ना इसके बारे में देख लीजिए, कार्यालय जिला न्यायाधीश रायगढ़ द्वारा इस स्थापना की 17-12 वाला अभी देख रहे हैं वही है, संलग्न सूची के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों कौशल परीक्षा को आमंत्रित किया गया है, प्राप्त आवेदन में पात्र सूची जारी की जा रही है, अति संबंध में कोई अभ्यर्थी दावा पत्र प्रस्तुत करना चाहता है तो 27 जुलाई तक कर सकता है, उसके बाद सीधा होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ये सभी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, यहाँ पर देख लीजिए सहायक ग्रेड 3 संविदा है, पात्र कितने हैं तो इसमें हैं लगभग 400 के आसपास, अपात्र कितने लोग हुए हैं तो यहाँ पर अपात्र हुए हैं लगभग 42 लोग, और उसके बाद असिस्टेंट ग्रेड 3 रेगुलर ये देख लीजिए अपात्र अभ्यर्थियों की सूची, सहायक ग्रेड 3 है रेगुलर है, तो अपात्र कितने जने हुए हैं, कंप्यूटर उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं, मान्यता प्राप्त डिप्लोमा नहीं, कंप्यूटर डिप्लोमा संलग्न नहीं आदि आदि, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं, तो अपात्र अपात्र कितने अपात्र हुए हैं, तकरीबन 1200 लोग अपात्र हुए हैं, और उसके बाद जो है पात्र कितने लोग हुए हैं, तो पात्र का तो शायद तक यहाँ पर संविदा की यहाँ पर एक्चुअल में ना देख लीजिए सहायक ग्रेड 3 सहायक ग्रेड संविदा के पद हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि संलग्न सूची के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाता है, तो ये किन के लिए है, संविदा के लिए है, ठीक है ना, रेगुलर के लिए अभी इसमें नहीं होना है। एक बार और पढ़ लेते हैं, 3 जून 2023 के द्वारा सहायक ग्रेड 3 एवं सहायक ग्रेड 3 संविदा के पद हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि, इतना तक पात्र प्राप्त आवेदन पत्रों को सम्मिलित करते हुए संलग्न सूची के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया गया है, केवल संविदा वालों का है, ठीक है, ये संविदा वालों कितने लोग हैं देख लीजिए, इसमें ग्रेड 3 संविदा पात्र कितने हैं, 371 था, 400 लोग हैं लगभग, 400 लोगों का कौशल परीक्षा जो है होना है 30 तारीख को। इसके बाद अभी कोई अपडेट तो इसमें आया नहीं है, चलिए एक बार देख लेते हैं, और ये तो मेरे ख्याल से कुछ और चीज़ है, ये भृत्य का इस स्थापना से जारी विज्ञापन क्रमांक 17-12, देखिए इसी विज्ञापन से ये जो जितना हुआ है ना भर्ती इसका ये जारी हो चुका है नियुक्ति आदेश, इसी विज्ञापन है 17-12 वाला, ये देख लीजिए 17-12, ठीक है, और इसी विज्ञापन से यहाँ पर भृत्य दफ्तरी कम फरास के पदों पर 7वें वेतनमान मतलब रेगुलर पोस्ट में हुआ है कहना चाहिए, ये देख लीजिए ये भृत्य दफ्तरी क्रम फरास 31 पद था, इसमें बहुत ज़्यादा पद था। तो इस तरह से दोस्तों कहना चाहिए यहाँ पर कौशल परीक्षा आयोजित होना है 30 को, और वो भी केवल संविदा में जो सहायक ग्रेड 3 भर्ती हो रहा था ना उसका, ठीक है, आशा है आप लोग को वीडियो समझ में आ गई होगी। और दोस्तों 30 तारीख को इसका कौशल परीक्षा है, आप उत्तीर्ण हो ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, थैंक यू।